हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय दीपक सर पे। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ के 1 से 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज हम बात करेंगे 5 से अबव क्वेश्चन के बारे में, 5 से ऊपर के कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है। यदि उनका मासा 15 है तो दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है हमें कि लासा गुणे मासा होता है। लासा गुणे मासा मतलब कि एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा होता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो हमें पता है कि मासा एचसीएफ होता है, मासा की वैल्यू कितनी दी है 15। एलसीएम हमें पता नहीं है, पहली संख्या और दूसरी संख्या भी नहीं पता है, जिससे कि हमें लासा निकल जाए। तो ध्यान रखना है कि जो मासा दिया होता है, इस मासा का हमें इनमें से गुणा कराएंगे। 15 × 3 = 45, तो पहली संख्या 45 होगी, दूसरी क्या हो जाएगी 15 × 6 = 60, और फिर ये 15 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 15 × 3 = 45। तो एलसीएम 3 × 6 = 18, 180। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल जाता है, मतलब कि दोनों संख्याओं का लासा हमारा निकल गया 180, ठीक है। तो इतना आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।